आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। श्रावस्ती में हुआ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, कार्यक्रम पे पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जी। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, कानपुर देहात मामले में कार्रवाई की मांग की। देवरिया में बीमारियों से बचाव के लिए कैंप का आयोजन, 35 मरीजों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन। देवरिया में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, इलाज के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रयागराज में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, पत्रकार से अभद्रता को लेकर नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया है, तो वहीं अभियान को शुरू करने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल खाबरी श्रावस्ती पहुंचे, जहां प्रदेशाध्यक्ष का कांग्रेसियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जहां मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के लोग गांव गांव जाएंगे और आमजन से महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नाकामियों के बारे में बात कर लोगों की राय जानेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को हराने नहीं बल्कि देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। यहां पर हम और हमारी टीम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत पहुंचे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा गांव तक ले जाने का संकल्प है। हर एक गांव में जाकर के हमारी टीम, कांग्रेस की टीम, गांव गांव जाकर के हाथ से हाथ जोड़ो के तहत वो चर्चा करना चाहती है जो वर्तमान की सरकार। कानपुर में हुई घटना को लेकर बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन कोतवाली को सौंपा है। बता दें कि कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो जाने के बाद पूरे प्रदेश में मामला सुर्खियों में चल रहा है, तो वहीं बुलंदशहर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कानपुर की घटना को लेकर जो भी अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय प्रमुख सचिव बुलंदशहर, आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? जो हमारे एक गरीब परिवार के साथ जो कानपुर में घटना घटी है, वो बहुत, मैं पूरी अपनी यूनियन की तरफ से उसकी बहुत निंदा करता हूं। और जो माँ बेटी जल के राख हुई है, जो उनकी हत्या हुई है, जो भी अधिकारी वहां पे मौके पे थे वो उनको सबको छोड़ के भाग गए। और वहां जो बुलडोज़र चला, एक गरीब परिवार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो SP सिटी, जो SP थे, जो तो हमारे BBGTS मूर्ति, वो कासगंज में ही पहले रहे थे, उन्होंने कासगंज में ही इसी तरह का आतंक काटा। देवरिया के भाटपार रानी में युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद बेहोशी की हालत में मिली युवती को इलाज के लिए जिला मुख्यालय स्थित वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, तो वहीं युवती अभी कुछ भी बताने में असमर्थ है। इस मामले में दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है। मैं भाटपार रानी कस्बे की घटना है, जहां एक 21 वर्षीय युवती ने कस्बे के रहने वाले दो युवकों पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर गई है। FIR इस प्रकरण में पंजीकृत हो गई है और दोनों अक्यूज्ड जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित वैष्णव खंड सेक्टर 6 के निवासियों और उनके मकान के सामने बने बस्तियों में रहने वालों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति बनती जा रही है।
बता दें कि जन कल्याण समिति के सदस्य डीएन सिंह और वहां के निवासियों के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण के वैशव खंड में प्लॉट आवंटित हुए थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके प्लॉट के सामने अवैध रूप से मलिन बस्ती बनकर तैयार हो गई, जिसकी शिकायत निवासियों ने कई बार एलडीए से की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निवासियों का कहना है कि इस बस्ती में बांग्लादेशी भी हैं, जिनकी वजह से आए दिन कॉलोनी में विवाद होता रहता है। आई रहे थे निर्माणाधीन मकान में से पूरा तार खींच ले गए। छोटे छोटे मकान बनाने के मटेरियल तो हम लोग रह रहे हैं तो अपने आंखों के सामने देखते हैं कि तमाम गायब हो जाते हैं। ईंटें ले जाते हैं, बालू ले जाते हैं, सीमेंट का बोरा मिल जाए वो ले जाते हैं। अपनी नगर विस्तार सेक्टर 6 है और वैष्णव खंड जिसे कहते हैं, यहाँ पे आसपास एक तो अवैध बसाव है, बहुत लोग रहते हैं जो कॉलोनी की नहीं है। दूसरी बात है यहाँ की नालियाँ प्रॉपर नहीं है, सब के यहाँ आप जाके देखिए पूरी ओवरफ्लो हो रही हैं। तीसरी बात है जो पीछे वाली लाइन है, इस लाइन को सार्वजनिक शौचालय बना रखा है, जिसको देखिए आते रहते हैं और रात के वक्त यहाँ पे असामाजिक तत्व आकर या तो कभी गाली गलौज करते हैं, कभी मारपीट करते हैं, कभी जानवर चराते हैं, और ये छुट्टे कुत्ते वगैरह हैं इतने ज़्यादा पाल रखे हैं और शाम को छोड़ देते हैं तो आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता है। कल की जो लेन है वहाँ पे पहले से, क्योंकि एलडीए कॉलोनी है यहाँ पे, जो ये बाद में शायद मेरे ख्याल से डिसाइड हुआ कि रोड कहाँ होगा, लेकिन 33 केवीए का जो पोल है वो एकदम मिडिल में आता है हमारे, तो अगर कॉर्नर वाला इंसान जो अगर बाउंड्री भी करा लेता है तो हमारे यहाँ कार निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और कार नहीं आता, और पीछे जो ये कॉलोनियाँ जो अवैध रूप से बसी हुई हैं, मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ के हैं नहीं, सिर्फ मकान बना दिया है इन लोगों ने। इन लोगों का ओवरफ्लो जो वाटर होता है वो पूरा आके बगल में इतना पूरा काला एकदम काई की तरह जमा हुआ है और उससे इतनी बदबू आती है, इतने मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, यही हम हमारा साथ में है, हमारा मकान साथ में मकान है और चोरी की समस्या भी बहुत है। मेरा मकान बन ही रहा था। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग एक साल, मुझे तो एक साल से डेढ़ साल हो गया मुझे, और भाभी को ढाई साल होगा। तो अब रेगुलर ये समस्या बनी हुई है, पानी मेरा मकान बन ही रहा था तभी मेरे मकान से सारे तार निकाल ले गए थे बिजली के, तो ये सब समस्याएं हैं। और घर के पीछे बहुत पानी भरा रहता है, सीवर अधिकार जनसेवा परिषद में वैष्णव खंड 6 की समस्याओं के बारे में यहाँ पर लोगों ने हमें बताया और इस संबंध में इन्होंने यहाँ की समिति द्वारा एक चिट्ठी भी हमें दी गई कि आप लोग यहाँ की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है तो यहाँ पे अवैध कब्जों की है। सड़कों प्लाटों पर जो है इन्होंने कब्जे कर रखे हैं, पार्कों पर जिसमें अवैध बताया जाता है कि बांग्लादेशी हैं या जो भी हैं उनके ऊपर, और सड़कों का पर जो है नाली का गंदा पानी आ रहा है। इसके बारे में इन लोगों ने यह भी चिट्ठी दी कि क्या नाम है कि इन्होंने स्थानीय विधायक को लिखा, ब्रजेश पाठक जी को लिखा था, और क्या नाम है जितने भी बेदबोत है ठाकुर विजय प्रताप सिंह, रघुराज प्रताप सिंह जी, सबने चिट्ठी लिखी, और अविनाश त्रिवेदी ने तो सभी को मतलब मंडलायुक्त से लेकर के और सब नगर निगम और एलडीए सबको चिट्ठी लिखी, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये पूरा का पूरा जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है ये उसका सब पूरा घालमेल है और ये सुनियोजित तरीके से यहाँ पर जो बांग्लादेशी कथित रूप से जो बताए जा रहे हैं उन लोगों को बसा दिया गया है। ये प्राधिकरण लोगों के साथ में छल करता है, छलावा करता है, इस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं। यहाँ के जो रेजिडेंट हैं इन लोगों ने हमसे शिकायत की थी, कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध कब्जे हैं और जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही हैं। इसके विषय में जब ये ट्वीट किया गया या खबर प्रकाशित हुई उसके बाद में ये लोग कुछ हरकत में आए हैं। अब देखना ये है कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से प्राधिकरण द्वारा मदद की जाएगी, क्योंकि विगत 2 वर्षों से लगातार यहाँ के रेजिडेंट जितने भी उच्चाधिकारी हैं और इसके अलावा शासन से लेकर प्रशासन तक सब लोगों ने कंप्लेंट की है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये गंभीर रूप से हमारे सामने आ रही है वो जलभराव की है। वो जलभराव इसलिए है क्योंकि जब ये कॉलोनी बन रही थी तो यहाँ बहुत सारे अनधिकृत लोग जिनका वेयर अबाउट पता नहीं है, वे कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, किसकी अनुमति से रह रहे हैं, और एलडीए के द्वारा कटे हुए प्लाट में कब्जा करके ये अपना झोपड़ी बनाए हुए हैं और उस झोपड़ी में रहते हैं। उसका सारा पानी गंदा हमारे पार्क के अगल बगल, हमारे घरों के अगल बगल, तमाम प्रकार के जो है गंदे नाले
बहते हैं। तो उन्होंने मकान इसलिए लिया था यहाँ पे क्योंकि LDA के हैं, यहाँ पे हमें सुविधाएं मिलेंगी, हमारे बच्चों को खेलने के लिए सुविधा होगी, पार्क है, ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग के बगल में पीछे के साइड में ये बांग्लादेशी है या कहाँ से आके बसे हैं, हमको इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है, और हमारे बच्चों को हम लोग खेलने नहीं भेज सकते क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हो सकता है कि हमारे बच्चे किडनैप ना कर लिया जाए या उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, मारपीट ना हो जाए, और जो इधर के बच्चे जो होते हैं वो जुड़ के खेलने चले जाते हैं। बच्चे साइकिल नहीं चला सकते क्योंकि इनकी ये बाइक लेके गाड़ी। आप लोग कब से यहाँ पे, कब से यहाँ पे हैं? 2.5 साल हो गए। गाजियाबाद के वसुंधरा में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर लोगों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि समाधान नहीं हुआ तो यहां से पलायन करना पड़ेगा। पूरा मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां दूषित पेयजल की सप्लाई को लेकर लोगों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध जताया है। वहीं जहां वसुंधरा टूसी में रहने वाले लोगों को कहना है कि पिछले करीब 2.5 से 3 महीनों से सोसाइटी में दूषित और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है, करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने भी किए हैं, न्यूज़पेपर तक मैं निकलवा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही, पानी अभी भी गंदा ही आ रहा है, यहाँ सभी लोग परेशान हैं। तो हमारी इनसे नगर निगम से साफ किया जाए, इसको पीने योग्य बनाया जाए, ये तो पीना क्या, नहाने धोने योग्य भी नहीं है पानी। कब से आ रहा है ये पानी? पानी हो गया जी 2.5-3 महीने हो गए इस बात को लेके। तो आप लोग किस तरह से पानी पी रहे हैं? हम लोग खरीद के पी रहे हैं पानी, खरीद के पानी, ये बिल्कुल देख लीजिए आप पानी का, सही है, पानी पीने लायक नहीं है, पानी बाहर से लेकर पीना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इतना स्मेल है कि बीमारी भी बहुत हो रही है, पेट वगैरह सबके बहुत सारे खराब है और पता नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप लोगों ने इसको लेकर शिकायत की है? लगातार शिकायत, हाँ, हमारी पूरी RW पूरी शिकायत कर रहे हैं, डेली फॉलोअप कर रहे हैं, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो रिक्वेस्ट यही है कि इसे जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। ये डुप्लेक्स के अंदर पिछले लगभग 3 महीने से बहुत ही गंदा और बहुत ही बदबूदार पानी आ रहा है, हमने हर स्तर पर इसकी शिकायत की है, जिम्मेदार जितने भी अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को हमने लिखित में और मौखिक रूप से बार बार कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हमने शिकायत की है, उसके बावजूद कोई अधिकारी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारी कॉलोनी के अंदर बच्चे बुजुर्ग बीमार होने लगे हैं और महिलाएं भी बीमार होने लगी हैं, सभी लोगों को ईचिंग होने लगी है, पानी इतना बदबूदार है कि आप नहा भी नहीं सकते, पीने की तो बात दूर है साथियों। प्रयागराज में पत्रकार के साथ अभद्रता मामले में पत्रकारों ने ACP से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही पत्रकारों ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी भी की है। बताते कि पत्रकार कमलेश गुप्ता महाशिवरात्रि के दिन ऐतिहासिक कुंदौरा धाम मेले में कवरेज करने गए थे, मेले में पुलिस ने पत्रकार कमलेश गुप्ता के साथ अभद्रता की, जिससे आहत होकर पुलिस के खिलाफ पत्रकारों ने नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। तो वहीं ACP सुधीर कुमार ने पत्रकारों की तहरीर लेकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 30 मीटर की दूरी पे ही हमने गाड़ी रोककर और साइड में पार्किंग देखने लगा मैं कि कहां पे गाड़ी पार्क करूं जो सुरक्षित हो। इतने में ही वहाँ थाना सराय अमरेज के में तैनात है करणवीर सिंह सिपाही और सौमिक सिंह दरोगा, उनके साथ एक होमगार्ड था, वो लोग पहुँचे और गाड़ी की चाबी निकाल लिए। जब गाड़ी की चाबी निकाल लिए मैंने उसका विरोध किया तो उसके बाद मेरे साथ हाथा भाई गाली गलौज करने लगे, जाते जाते सौमिक सिंह द्वारा धमकी भी दी गई। दरअसल कुछ दिनों पूर्व जो यहाँ शाहजहाँपुर के थाना कांट क्षेत्र में लापता बालक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद बालक का शव गेहूं के खेत से बरामद हुआ है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पिता का नाम नन्हे सिंह, ये कल लगभग 10 बजे दिन से लापता था, परिवार के जन भी बाहर थे, शाम को जब आए तो बालक के न मिलने पर इनके द्वारा सुबह थाने पर सूचना दी गई, जिसके आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया 363 IPC के अंतर्गत। इसकी तलाश की जा रही थी, आज शाम को उनके परिजनों ने अवगत कराया कि उन्हीं के खेत में इस बालक का शव मिला है जिसपे चोट के निशान है। 14 सूत्रीय मांगों पर सरकार से समझौता होने के बावजूद उसकी संतोषजनक कार्यवाही न होने से खवा विद्युत कर्मचारियों ने आज जन जागरण सभा के
मुख्यालय गेट पर हुई जन जागरण सभा में बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी एकत्र हुए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हुई इस सभा में नारेबाजी के बीच कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई। वक्ताओं ने कहा कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिसंबर माह में ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के समक्ष मांगों को मनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उस समझौते का कोई असर नहीं दिखा है, जिसके चलते आज ये जन जागरण सभा का आयोजन किया गया है। अवनीश अवस्थी जी के प्रेजेंस में इनके साथ 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो विद्युत कर्मचारियों का था, जिसका आंदोलन चल रहा था, एक समझौता हुआ था, लिखित समझौता हुआ था, और उस समझौते का अनुपालन करीब करीब 2.5 महीने हो रहे हैं, अभी तक उस पर पालन के लिए कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई है। उसके लिए बिजली कर्मचारी 8 चिट्ठी लिख चुका है, संघर्ष समिति 8 चिट्ठी लिख चुकी है, उस पर भी कोई सार्थक जवाब न मिलने की वजह से हमें अल्टीमेटली ये नोटिस देना पड़ा है। नई दिल्ली विज्ञान भवन में पावर कॉरिडोर द्वारा इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टर संकल्प जैन को उनके द्वारा किए गए मेडिकल क्षेत्र के कार्यों के लिए इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। IFIE और पावर कॉरिडोर द्वारा आयोजित इंडियन अचीवर्स में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नंदन झा, शैलेश शर्मा, अभिनेत्री श्रुति हसन, बॉक्सर विजेंद्र सिंह और अन्य कई विशिष्ट अतिथि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं डॉक्टर संकल्प जैन को मोस्ट सेक्सोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर के कैटेगरी में सम्मानित किया गया। रायबरेली में दबंगों ने भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में किसान सभा कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही तहसीलदार सदर अभिनव त्रिपाठी को भी सूचित किया गया, जिस पर सदर तहसीलदार के पहुंचने पर किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष ने टीम भेजकर 3 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटवाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। इसलिए बैठे हैं हम धरने पर बैठे हैं, श्री केसर पंथी पर निवासी उनकी भूमधरी जमीन पर, जिसका कि पत्थरगढ़ी भी हो चुकी है, इनकी भूमधरी जमीन है और इनकी भूमधरी जमीन पर मंदिर बनवा दिए गए 2 महीने के अंदर। तब से ये दौड़े दौड़े परेशान हैं और मंदिर के अलावा 2 गेट लगा दिए गए हैं। जमीन भूमधरी जमीन की सर। अच्छा, आज धरने पर कैसे बैठे हैं? धन्य इसलिए सर, हमारे जो मंदिर बना हुआ वो मंदिर बन गए, मगर जो है सब कब्जा करे हुए हैं, मोरंग गेट सब रखे हुए हैं, इसलिए जो है धन्य बैठे हुए। किसने कब्जा किया है? नारायण और गोवर्धन, अरे सारे। सुल्तानपुर में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया, जिसके बाद पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति ने अस्पताल में दम तोड़ा। तो वहीं SDM ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए दंपत्ति के साथ मौजूद रहे 2 बच्चों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया और DM ने भी मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल जाना। पूरा मामला लंबुआ कोतवाली क्षेत्र का है। लम्बुआ और मदनपुर के बीच में ट्रक से और बाइक से। मृतक दोनों का नाम बताओ। मृतक का नाम संतलाल है और किस्मती। कितनी उम्र होगी? 30 साल किस्मती की होगी, 32-33 साल उनकी होगी संतलाल की। मृतक के गांव का नाम क्या है? रामनगर। पूरा नाम रामनगर जौनपुर। एक ट्रक से टक्कर होने के कारण जो महिला थी उनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी और जो हस्बैंड हैं वो चिकित्सालय में आने पर उनकी डेथ हो गई है। हालांकि वहां से हमारे SDM ने बहुत ही सूझबूझ दिखा करके तत्काल उनको मूव कराया, तो उसके कारण उनके साथ जो 2 बच्चे थे उनका उपचार हो गया है, अभी वो ठीक हैं। इनके परिजनों से संपर्क। बाइक और ट्रक का एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिसमें 2 बच्चे घायल अवस्था में यहाँ लाए गए हैं। अभी दोनों बच्चे स्टेबल हैं, नॉर्मल हैं, उन्हें एडमिट कर लिया गया है और 2 लोग उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोनों की बॉडी जो है पोस्टमार्टम।
अमरोहा में नवांगतुक तहसीलदार अर्चना शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करते ही प्राथमिकताओं को गिनाते हुए बताया कि शासन प्रशासन की प्राथमिकताएं के जो भी कार्य वर्तमान में चालू हैं उनको सुचारू रूप से चलाना और समय से गुणवत्तापूर्ण उनको पूरा करना है। वहीं नवांगतुक तहसीलदार ने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले तो पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो भी शासन प्रशासन के प्राथमिकता के कार्य वर्तमान में चालू हैं उनको सुचारू रूप से चलाना और समयबद्ध ढंग से उन्हें पूरा करना, पहली प्राथमिकता तो यही है। इसके बाद दूसरा, अपना यदि कहीं भी ग्राम समाज की भूमियों पे अवैध रूप से कब्जा मिलेगा हमें तो हम उसे हटाने हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा और भी तमाम काम है, मिसलेनियस बहुत सारा काम है, शिक्षा है, स्कूलों को देखना है और जो भी मिड डे मील है, तमाम काम है कि गुणवत्ता सबकी ठीक रहे। अगर हमें इससे समय मिलेगा तो मैं जरूर चाहूँगी कि उनके लिए कुछ काम करूँ, बच्चों की स्टडी पे फोकस। देवरिया के नागरी प्रचारिणी में बीमारियों से बचाव के लिए कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 35 मरीजों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया और आए हुए सभी मरीजों को किट भी वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रमण्यम और हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री ने दीप प्रज्वलित कर की है। जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है वो अपने एचआर के साथ और अपने काउंसलर के साथ यहाँ आए हुए हैं। श्री अनिल सिंह जी के माध्यम से इस कार्यक्रम का संपादन संभव हो पा रहा है। ज़िले के सारे हीमोफीलिया के पेशेंट्स जिनको फैक्टर के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिनको किसी भी तरह की हीमोफीलिया से उत्पन्न विकलांगता को दूर करने का प्रयास करना है, वो इस कैंप में शामिल हो सकते हैं। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहब।